ऑलराइट सो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी उसके लिए जो बहुत से बंदे जो पैसे लगा के दूर जाते हैं कहीं, यानी ऐसे जो ऐसे कोई सनसेट पॉइंट ऐसे देखने के जाते हैं, वो आपको मैं बिल्कुल फ्री कॉस्ट दिखाने वाला हूँ। चलो ऑलराइट, अभी जो आपको सामने दिखने वाला है बहुत शानदार नज़ारा दिखेगा, देखो। तो लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ वो नज़ारा, जो खूबसूरत नज़ारा है आपके लिए। ऑलराइट, सो अभी जो आप देख सकते हो कि वो चीज़ दिख रही है आपको, सनसेट पॉइंट, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है ये। सनसेट पॉइंट आपको दिख रहा है वो मिला होगा। तो सो गाइस, फाइनली अभी आप देख सकते हो कि सनसेट पॉइंट कैसा दिख रहा है। फाइनली देखो यार, देख, बहुत ही शानदार नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। मेरी छत से जो दिखता है आपको नज़ारा, बहुत शानदार दिखता है। सनसेट आपको सीधा सीधा आपको सामने देखने को मिलेगा, देख लो, है ना। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। ऑलराइट सो गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कल क्या हुआ था, जो कल हमने जो आपको डिटेल में नहीं बताया था कि जो कैसे क्या होता है, क्या प्रोसेस है पूजा जाता है, या जो इनको देवी देवताओं को कैसे पूजा जाता है, जो अपना खेतपाल बोलते हैं, जो अपने राजस्थान में जो देसी भाषा में बोला जाता है खेतपाल, जो खेत के जो पूजा की जाती है, जहाँ पे जो दूल्हा दुल्हन या जो भी है जिनको जिनकी शादी होने वाली है उनको लेकर जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे इनकी पूजा की जाती है। तो ये जो एक अलग सी जो एक परंपरा चली आ रही है, और ये जो एक कह सकते हो रस्म है जिसमें जो खेत की पूजा की जाती है, और उसमें देवी देवता जिनको बनाया जाता है वहाँ पे, अलग अलग जो ऐसे पत्थर रख के बनाए जाते हैं, और बहुत सी जगह पहले से होते हैं उनकी परंपरा के हिसाब से, या उनके दादा परदादा के हिसाब से उनको रखे जाते हैं, और यदि नहीं होते हैं तो वो अलग से एक नए देवता का या जो एक पत्थर रख के उनको देवता जो मान के उनकी पूजा की जाती है। तो ये सिंपली है जो ऐसा कुछ होता है। उसके लिए जो प्रसादी वगैरह सब बताई थी मैंने, कल भी आपको इन्फॉर्म किया था कि उसमें प्रसादी वगैरह सब चढ़ाई जाती है, और इसके साथ में जो माचे यानी जो चारपाई के जो होते हैं ना, माचे बोला जाता है, जो उनको लकड़ी से बनाया जाता है, लकड़ी के बना के उनको रखा जाता है वहाँ पे, तो देवी देवताओं के जितने वहां पे चढ़ाए जाते हैं। तो ये सिंपल से ऐसा कुछ होता है इसमें रस्म में, इसको खेतपाल बोला जाता है, ठीक है। स्पेशली बाकी जो और भी जो आगे डिटेल में बताता रहूंगा, जो जो होगा ना होगा सब आपको डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज केवल जो केवल पीटी हुई, उसके बाद में जो हमने ये डीजे का सेटअप किया है, तो मैंने आपको कल ही अपडेट किया था कि डीजे लग चुका है, लेकिन फाइनली सेट नहीं हो पाया था, तो आज क्लियर लग चुका है, और उसके भी वीडियो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके डीजे का डांस के वीडियो होंगे, जो बहुत शानदार वीडियोस मिलेंगे आपको। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।